हमीरपुर शहर में आए दिन लोगों को यातायात की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से 5 मिनट के सफर को आधा घंटा लग रहा है, जिस कारण सड़कों पर जाम दिन भर देखा जा रहा है और लोगों को रोजाना इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हमीरपुर शहर में आजकल यातायात जाम हर दिन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण स्थानीय जनता के साथ शिमला धर्मशाला जाने वाले वाहनों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर के भोटा चौक से लेकर नदौन चौक व सुजानपुर चौक तक लग रहे जाम के कारण हर कोई परेशान है और पुलिस प्रशासन को भी जाम को दूर करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं लोगों का कहना है कि ये जाम रोजाना ही लगता है और हमें इस समस्या से रोजाना दो चार होना पड़ता है। सुशील कुमार ने बताया कि हमीरपुर जिला में आए दिन जाम लगता रहता है, इसका जवाब प्रशासन दे कि जाम से निजात दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है। वहीं कार चालक सोहन सिंह ने बताया कि उनको भोटा चौक से नदौन चौक तक पहुंचने में आधा घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। इससे पता चल सकता है कि हमीरपुर में लोगों को जाम में कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं जनेरा से आया हूँ और 24 घंटे हमीरपुर जिले में हमीरपुर जिले के नज़दीक 1-2 किलोमीटर के अंदर इतना जाम लगा रहता है कि आधा आधा घंटा भोटा चौक से लेके ऊपर तक आधा घंटा पौना घंटा भी लग सकता है। तो इस जाम से हमें कब निजात मिलेगी ये सरकार बताए, या फिर क्या सरकार क्या काम कर रही है इसमें, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम किसी के पास भी नहीं, बहुत कम होता है। ये मेरे को डंकवाली से हिरनगर से नीचे उतरने में 20 मिनट, जो 2 मिनट में या 5 मिनट में उतरे हम आराम से। धन्यवाद। लेकिन अब यहाँ पे सड़कें तो उतनी हैं लेकिन गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं और जाम आम हो गया है यहाँ पर। डेली जब भी आप आएंगे तो इस चौक में या परले चौक में चौक में आपको जाम ही मिलेगा। कुछ लोगों की भी अपनी गलती है, ढंग से गाड़ी को रोकते नहीं है, जहाँ दिल लगता है वहाँ पार कर देते हैं, इस वजह से भी जाम लगता है। तो लोग भी अगर कोऑपरेट करेंगे और कुछ जो यहाँ पे पुलिस वाले हैं वो साथ दें तो हर एक चीज़ का हल निकल जाता है। ठीक है ना। प्रशासन से क्या मांग रखते हैं आप? यही करते हैं कि थोड़ा सा सुचारू रूप से इसको ढंग से थोड़ा सा मैनेज करें, ताकि ऐसा होता है कि बहुत ज़रूरी काम होता है तो आदमी कर नहीं पाता है, तो थोड़ा सा सुचारू रूप से चलाएंगे तो थोड़ी हो जाए, क्योंकि सड़कें उतनी की उतनी हैं, गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं। थैंक यू। इस मुद्दे पर पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीना का कहना है कि चुनावों की ड्यूटी के चलते ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी, लेकिन अब ट्रैफिक इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं बस अड्डे के बाहर बसें खड़ी करने व बस को धीमी रफ्तार से चलाने पर भी चालान करने को कहा गया है। इसमें हमारे जो ट्रैफिक इंचार्ज है उनको सख्त निर्देश जारी करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये था कि पिछले कुछ महीने तो हमारे चुनाव पे फोकस रहे हैं, अब इस समस्या की तरफ जो ट्रैफिक की समस्या देखने में आ रही है इस पे खासतौर पे ध्यान रखा जाएगा। जो इन नियमों का उल्लंघन करेंगे उनका चालान किया जाएगा। हम इसमें जो बस का निकलने का जो टाइम है बस स्टैंड से और उसका अपने गंतव्य तक पहुंचने का जो टाइम है उसका एनालाइज करके अगर कोई बीच में रास्ते में अनधिकृत रूप से उस बस को खड़ा रखता है तो उसका चालान किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पिछले काफी समय से लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग्स चलती रही है, यहाँ तक कि हिमाचल पुलिस ये हमीरपुर पुलिस का अगर देखा जाए तो पूरा सेटअप एसपी से लेके और हमारे थाना स्तर तक बहुत बड़े स्तर पर ट्रांसफर हुए हैं। तो जो हमारे पास फोर्स आई है उसका नए स्तर पे डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, किसी इफेक्टिव व्यक्ति को हमारे पुलिसकर्मी को हम ट्रैफिक का इंचार्ज लगाएंगे ताकि इस क्षेत्र में सुधार किया जा सके।